मौला नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। ओ गजदे बड़े ने पर वसदा कोई कोई है सुनया। देखो बाबा जी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके डायलॉग इमरान खान की आवाज में भी आएंगे। मैं बोल के दिखाना। हाँ जी गज दे बड़े ने पर वसदा कोई नहीं। गंडासे दी तार ते लगा होया सत नता दी नसल दा खून वेख के समझ जाए के मैं कौन ते मौला जड़ तू है। इंज अच्छा ते तू है मौला जट। वैसी जट भी मैं ही सा। मैं की करा। ओए अपनी लत ला के अपने हथी मेरे पैरां च सुट दे। ओए मौले जट दे खड़ाक तो बचण दी एक सूरत ही। बस कर सोनिया बस कर। किधरे नजर न लग दियो। मैनू पहले रज के वेखते लैण दे। लत्तां भी दो बाहवां भी दो नक भी इक सिर भी इक। इन्ने आम जिस्म दे बंदे नूं इन्नी जुर्रत ही नहीं हो सकदी जिहड़ा नत नाल टकरा सके। तेरी बदबख्ती है नता के तू सिर्फ जट दा ना सुनिया ओदा खड़ाक नहीं सुनिया। ओ जटो दर्द हो रही है। ओए पहले इस पहाड़ नू चीर के वेख। ओ तू लाडला है या तरबूज है जड़ा चीर के वेख अंदरों लाल है के चिट्टा। वैसे भी मोले है चीर के वेख ला पता तो लगे तब्दीली आई किधरों है। ओ इस पहाड़ नू चीर के वेख तेरा ही नाम होगा। और तेनू पता लगे तेरा किस बलान अलवा पे है। वाह रे वाह। ओए अपनी खुआरी सिद्धी कर। जट दा गंडासा तेरी हिक ते वजिया ते तेनू अपना हथियार बड़ा याद आना ही। ओ अगे की कहना। उन्हां नू पुछ जिहड़े तेनू लैके आए। उन्हां ने भी इहनू पूरा स्क्रिप्ट याद नहीं कराया सिर्फ दो लाइनां याद कराइयां ने ओही बोली जा रही। मैं भी याद कराए सने आप ही उठ के दौड़ गया। मैं ते बोल गया मैं पहले। ओए अपनी जबान बढ़ के मेरी तली ते रख दे। नाल खाद भी ले ले लाड लिया नहीं तो नाश्ता नहीं बनना। जने परी असेंबली मेरी कुर्सी दा ना लिया। ओए कथ दे नाल तू मेरी जेल दा दरवाजा खोलना है ते दूसरे हाथ दे नाल मैनू इख्तदार दी कुर्सी ते बिठाना है नता। ओ जटो बंद करो कूड़ो तुहानू भी नहीं पता लगता अगे की हो रहा अगे फाइट का सीन हो रहा तो पिछे भी जा रहे ने घुंगरू मंगदे। अब मौलिया आ तुहाडे वस दा काम नहीं है तुसीं होर जाना ला काम करो एक दूजे ते फिक्कियां जुगतां करो ते निकलो बाहर। ओ सही कह रहा है खराब दही खा के मुंह ना पटाके मारन वालिया। और तुम्हें सुन लिया और मुंह नाल पटाके मार के खराब दही खाना लिया। सुट के जरा सुट के दिल ते करदा है तेरा गाटा ला दिया लेकिन मैं तेरा गाटा नहीं लाउणा तेज बारिश च कपड़े धोण वालिया। और मैं भी तेरा गाटा ला के दम लांगा ओए ओए कपड़ियां च बारिश धोण वालिया। ओए तेरी पार्टी मैं कदों दी मुका देनी सी खराब टूप अगे इंजन करन वालिया। और मेरी पार्टी तू कदी नहीं मुका सकदा ओ इंजन अगे खराब ट्यूब करन वालिया। ओए एक वारी मैनू जेलों बाहर आउण दे ओए फिर वेख मैं तेरा की हशर करना बल्ब दे उत्ते अंडा उबालन वालिया। ओए तेनू किने जेलों बाहर आण देना ई अंडे दे उत्ते बल्ब उबालन वालिया।
केड़ी मुर्गी जेड़ी बल्ब देगी। मुस्तफा साहब आप मुझे काफी परेशान लग रहे हैं इनकी हरकतों की वजह से और फिक्कियों की वजह से। बस करो है, बस करो। ओए होए, ओए होए, ओ माय गॉड। बड़े गाटे लाए ने एक दूजे दे। हाँ जी। हुण गाटियां नूं सलामत रखो ते एक दूजे दा एहतराम करो ते अमन करो, अलम दे अलमदार बनो, जब्बी पाओ, पाओ जब्बी। आपने इनकी सुलह तो करवा दी है, जफ्फी तो डाल ली इन्होंने, लेकिन ये फिर भी मौला जट वाला वही सीन होना जरा तुसी जेलर सामने जफ्फी पा ली से बाहर जाके लड़न लग पे। वो फिल्म सी हकीकत ये भी फिल्म ही चल रही है। असली नत ने साडी जफ्फी पवा दी हो, इधर वेख। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, आप देख रहे दारों से करें बातें। खुशामदीद, आप देख रहे हैं तारों से करें बातें और हमारे आज बहुत ही मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्तफा कुरैशी साहब। आपने अब तक माशाल्लाह से चनवरियाम, जीवा, खून का कर्ज और मौला जट जैसी माशाल्लाह से लातादाद फिल्मों में आपने काम किया, मगर इन सारी फिल्मों में आपको अपना किया हुआ खुद का बेस्ट कैरेक्टर कौन सा लगता है? ये ऐसा ही है कि आप किसी माँ से पूछें कि जो आपके चार बच्चे हैं उनमें से बेस्ट कौन सा बच्चा। देखिए जी, जहाँ जहाँ कैरेक्टर था मेरा और जो कुछ मैं अपने तौर पे जो भी मेरी मेहनत होती थी, लेकिन कई कुछ बात ऐसी भी फिल्में कि वो फ्लॉप भी होती थी, बी क्लास भी जाती थी, लेकिन कैरेक्टर तो मेरा, परफॉर्मेंस तो वही है ना। हाँ। और केड़ा बच्चा जिहड़ा पैसे कमाण लग पे। एक फिल्म थी आग, जावेद फाजिल डायरेक्टर थे। हाँ जी। कहने लगा यार रे साहब अगर आप टिंड करवा दे, मैंने कहा ओके। वहीं थाई लड़कियां आती थी रोजाना टिंड होती। अच्छा, थी रोज एक क्लीन शेव रोज होती थी। वो टिंड लड़कियां करती थी या लड़कियों की वजह से? लड़कियां करती थी, मुझे बड़ा मजा आता था। अच्छा मुस्तफा साहब, उन एक्टर्स में से हैं माशाल्लाह जिन्होंने एज अ हीरो भी काम किया, एज अ विलन भी काम किया, और उसके बाद आपका जो सेकंड फेज है अगर मैं बोलूँ तो उसमें आपने एज अ फादर भी काफ़ी कैरेक्टर्स परफॉर्म किए, तो उसके बारे में बताइए कि वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और कौन सा कैरेक्टर एज अ फादर जब आपने किया तो आपके दिल के बड़े करीब आप फील करते हैं? उम्रों का तकाजा भी होता है कि जब नौजवानी फिर जवानी थी तो विलन भी किया, हीरो भी किया, घोड़े भी दौड़ाए, फाइटें भी की, बड़ा कुछ काम किया। जाहिर है फिर जब एक दौर गुजरता है तो कई एक्टर्स तो होते हैं जो कि घरों में बैठ जाते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं दूसरे फेस में, जैसे आपने खुद कहा जी, क्योंकि शो मस्ट गो ऑन, परफॉर्मेंस चलती रहनी चाहिए, कैरेक्टर रोल्स में आ गया जी, कैरेक्टर रोल्स में। उसमें मेरी कई फिल्में हैं जो कि बड़ी हिट भी हुई हैं, उनमें जैसे एक सुहागन फिल्म थी, बोटी लेके जानी है, उसमें तो कॉमेडी भी कॉमेडी की थी उसमें जे, यस मैंने कॉमेडी भी की है। कॉमेडी उससे पहले सुहा जोड़ा फिल्म थी, सुहा जोड़ा फिल्म थी। अच्छा। वैसे इमेज हमारा जरा सीरियस कैरेक्टर्स का जी, लेकिन आर्टिस्ट जो होता है, मैं अपने आप को क्या आर्टिस्ट करूँ, अभी भी मैं सीखने वालों में से हैं, लेकिन मैंने कॉमेडी भी की है, ऐसी ऐसी कॉमेडी की है, बल्कि एक मेरी फिल्म थी आली जा। अच्छा। उसमें थ्रू आउट मेरा कॉमेडी का रोल था कि एक लाहौर का कंटुट्टा कैरेक्टर है जो कहीं कत्ल होता है तो कहता है कि वह साढ़ा ही का मुझे अपने तो पालन हाँ मैं कत्ल की तरह, जब पुलिस आती है तो फिर चीखा मारता है। सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी के